अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज वीडियो के अंदर आप भाइयों को बताऊंगा जिन मुर्गों को चूज़ों को बुखार हो जाता है उसके हवाले से कुछ मेडिसिन बताऊंगा, इंग्लिश भी बता दूंगा और देसी भी बता दूंगा। जिस भाई को भी जो इजी लगे वो उनमें से कर सकता है। तो कुछ एहतियात भी बता दूंगा। आजकल के मौसम के अंदर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ मसला हो रहा है, उनके परिंदों को जो है ना वो बुखार होता है। परिंदा जो है ना एक कोने के अंदर जाके बैठ जाता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, तो एंड वो फिर एक्सपायर हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यकीन करें अभी मैं फुल भीगा हूँ पसीने के साथ। हबस इतनी ज़्यादा, अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन उस बारिश होने के बाद जितनी हबस होगी है ना परिंदों को उतना ही मुश्किल हो जाता है केयर करना। लेकिन मैं आज की वीडियो के अंदर आप भाई को जो मैं करता हूँ वो आप भाई से शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे जो है ना वो एक्सपायर भी नहीं होंगे, उनका जो बुखार वाला मसला है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर भाई मुर्गों चूज़ों को जो ना वो बीमारी आ रही है, वायरस पड़ता है। दोस्तों जो पिछले चैनल नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी लास्ट जो इस वीडियो से पहले जो कल वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर जो मैंने आपको इलाज बताया, सारे दोस्त वो वीडियो देखें और वो अपने परिंदों को इलाज करें उस मेडिसिन के साथ, इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों को मसला नहीं होगा। एक दफ़ा आप दोस्त मेरे चैनल के ऊपर विजिट किया करें, आपको रानीखेत गंबोरो जिस तरह का भी आपके परिंदों का मसला होगा वो इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगी। फिर भी किसी भाई के साथ भी कोई मसला होता है वो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप दोस्तों का जो है ना वो रहनुमाई हो जाए, घर में बैठे आपको पता चल जाए कि किस मुर्गे को क्या मसला और कौन सी मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों जो मैं करता हूँ वही आप भाई साथ शेयर कर देता हूँ। अभी यकीन करें बहुत ज़्यादा हबस बनी है, लेकिन आपको बुखार के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप दोस्त करें इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों को बुखार नहीं होगा या वो कोने में बैठ जाता है। और दूसरी बात मैं आप भाइयों को ये बता दें, तो कुछ दोस्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैवी डोज देते हैं अपने परिंदों को, जैसे टाइलोपिन हो गया, जेंटा कॉम्बिजोन के हो गए, इस तरह के इंजेक्शन जो होते हैं हैवी डोज वाले इंजेक्शन देते हैं ना, उसके साथ वो एहतियात नहीं करते। वो भी आप भाइयों को बताऊँगा कि उसके साथ एहतियात क्या होती है। जेंटा कॉम्बिजोन भी आप लोग जो है ना वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट अपने चूज़े के वेट के हिसाब से जो है ना इंजेक्शन उनको सीने के अंदर गोश्त में लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप जेटी बार हैपा मर्ज वाला इस तरह का सिरप आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप वो दोस्तों वो सिरप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका परिंदा जो है ना वो इंजेक्शन के लगाने की वजह से आपका परिंदा सोकड़े में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब भी हैवी डोज वाला इंजेक्शन लगाएं उसके साथ हाजमे वाला या कोई भी जिगर के लिए आपने सिरप अपने परिंदों को लाजमी इस्तेमाल करवाना है, आपके परिंदों को इंशाल्लाह ताला सोकड़ा नहीं होगा। दोस्तों जब भी आपका परिंदा अगर बुखार जिसको हो गया है, क्योंकि आज की वीडियो है ना बुखार के वाले से, क्योंकि इस मौसम के अंदर बुखार ही होता है, तो आप कोशिश करें पानी के अंदर जो है ना वो पैनाडोल का सिरप इस्तेमाल करवाएं। अगर आप पैनाडोल का सिरप इस्तेमाल नहीं करते उसके बाद कोई भी पैनाडोल के अलावा काफ़ी ज़्यादा बुखार वाले सिरप होते हैं, ठीक है, आप पैरासीटामोल का, ठीक है, पैरासीटामोल जो है ना वो इसका फार्मूला, इसके मुताबिक आप कोई भी उनमें सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने दिन में 3 दफ़ा पैनाडोल का सिरप जो है ना वो उनको पिलाना है, आपका परिंदा इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जिस परिंदे को बुखार हो गया उसको आपने नहला देना है, एक दफ़ा लाजमी नहला देना, ठंडी जगह पे हवादार जगह पे रखें, इंशाल्लाह ताला बुखार फौरन चले जाएगा। अगर बिलफर्ज आपका परिंदा फिर भी बुखार में बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा, फिर आपने जो है ना उनको परवाज़ के नाम का एक इंजेक्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों, परवाज़ नाम का इंजेक्शन होगा, वो आप भाइयों ने मेडिकल स्टोर से ले लेना, अपने मुर्गे के गोश्त के अंदर सीने के अंदर आपने एक सीसी लगा देना है, एक सीसी आपने मुर्गे के गोश्त में इंजेक्शन लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने 3 दिन तक लगाना, इंशाल्लाह ताला आपके मुर्गे के अंदर जो बुखार होगा वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पैनाडोल के अलावा और भी शुमार सिरप है, लेकिन पैनाडोल भी अच्छा जो है ना, ब्रूफन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ भी आपका जो है ना परिंदा वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर देसी करना चाहते हैं, देसी के लिए आप दोस्तों ने क्या करना है, थोड़ी सी आपने 1/2 लीटर आपने पानी लेना, उसके अंदर जो है ना 1/4 चम्मच हल्दी का, 2 दाने आपने जो छोटी इलायची होती है उसको खोल के वो उसमें डाल देने हैं, ठीक है, और 1-2 लहसुन की तुरी उसको हल्का सा कूट लें या छोटे छोटे टुकड़े करके उसी पानी के अंदर आप दोस्तों ने मिला देना है, ठीक है। मिला के तो आपने चूल्हे के ऊपर रख देना, अच्छी तरह से पकाना, जब 1/2 लीटर का उससे हाफ रह जाएगा, ठीक है, अब वो आपने ठंडा करके अपने मुर्गों के आगे रख देना जिनको बुखार हुआ है। तो यही सिरप आप दोस्तों ने जो पानी बन गया है ना, तो यही पानी आप भाइयों ने अपने परिंदों को 3 दिन या 5 दिन का कोर्स करवा देना है, इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों को जो है ना वो बुखार वाला मसला जो है ना वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, वो इंशाल्लाह उनका बुखार जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप भाइयों ने करना है, जो भी इनमें से आपको ईजी लगे वो आप दोस्तों ने वो कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी और भाई के साथ भी कोई मसला हो रहा है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके सर्च करें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो है,
ठीक है, आप भाइयों को उसका फायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसके साथ भी आपका मसला ठीक हो जाएगा। बिलफर्ज किसी भाई का कुछ मसला फिर भी ठीक नहीं हो रहा, परिंदे बीमार हो रहे हैं, तो आप दोस्त जो है ना वो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ताला भाइयों को उसका इलाज बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, हबस इतनी बनी है, यकीन करें मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता मैं कैसे बना रहा हूँ, बैठा हुआ ना हबस बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब बोलते हैं एक जगह पे बैठे हो ना तो बहुत ज़्यादा हबस लगती है। तो इसी तरह परिंदों के साथ भी मसला होता है, परिंदों को टोकरों के अंदर रात के टाइम बंद करें, जितनी भी ये 2 महीने बस आप निकाल रहे हैं, क्योंकि इस महीने के अंदर वायरस जो है ना वो बड़ा ज़्यादा अटैक करता है। परिंदों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, अच्छी खुराक दें, रोटी भिगो के दें, ठीक है, दाना भिगो के दें, आपके परिंदे को जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। मल्टी विटामिन यूज़ करवाएं, ताकत वाली जो भी आप चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं, गर्म चीज़ कोई भी है उससे परहेज़ करना, अगर इंजेक्शन है वो भी आप भाइयों ने परहेज़ करना है, मतलब कि देख के लगाना है कौन सा इंजेक्शन गर्म होता है जिससे परिंदे को सोखड़ा ना हो, क्योंकि परिंदे को जब सोखड़ा हो जाता है ना, मतलब कि कोई भी हैवी डोज आप गर्म खुराक उसको दे देते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके साथ आपका परिंदा दाना पानी छोड़ जाता है, उसका अंदर जो है ना वो गर्म हो जाता है, तल्ख हो जाता है, उससे परिंदा आपका फिर ज़्यादा होने का जो है ना मसला बड़ा ज़्यादा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।